पद्मश्री एवं पद्म भूषण जैसे अति सम्माननीय पुरस्कारों से विभूषित माननीय डॉक्टर श्यामा चोना जी विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, अनुभवों की खान है तथा असंख्य बच्चों की आशा है। उनका असाधारण व्यक्तित्व सभी के लिए प्रेरणा है। उनके जीवन से जुड़े कुछ अविस्मरणीय प्रसंगों को जानने के लिए हमने उनसे बात की, प्रस्तुत है उसके कुछ अंश। मैडम, बचपन में आपने कभी सोचा था कि आप बड़े होकर किस क्षेत्र में कार्य करना चाहेंगी? बचपन से ही मेरी इच्छा थी कि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ूं और उसी में आगे बढ़ूं, और आप सभी की शुभकामनाओं से मैं वास्तव में ऐसा कर भी पाई हूं। मैडम, वे लोग जो आपकी तरह इतनी ऊंचाइयों तक जाते हैं, उनके अपने सपने होते हैं। आपके कौन से सपने थे? सच पूछिए तो सपने देखना मेरा पैशन है, जुनून है, शौक है, या यूं कहिए फितरत है। मैं तो रोज सुबह एक स्वप्न देखती हूँ और पूरा दिन उसे पूरा करने में बिता देती हूँ। मगर हाँ, मैं सपने अपने लिए नहीं देखती हूँ, मेरे सपनों में बच्चों के लिए कुछ कर गुजरने की आकांक्षा होती है। और तमन्ना, मेरी बेटी के जन्म और उसकी परवरिश ने मेरे अंदर तीव्र लालसा पैदा कर दी थी कि मैं जीवन में दिव्यांग जनों की भलाई के लिए अवश्य कुछ करूंगी, कुछ बड़े कदम उठाऊंगी, और यही मेरा खास स्वप्न भी रहा। मैडम, आपने जीवन में इतने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए, आपकी दृष्टि में आपकी इस सफलता का रहस्य क्या है? मैं तो यही कहूंगी कि एक राह पर चलें, निरंतर चलते रहें। यदि आप दिशा नहीं बदलते तो आप वहीं पहुंच जाते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। हमें अपने अंदर काम करने का जुनून पैदा करना चाहिए। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही बिना जुनून के हम ऊंचे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, और मेरी दृष्टि में सफलता का रहस्य यही है। मैडम, आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, संभवतः 250 के लगभग। आप एक ऐसी भारतीय नारी हैं जिन्हें अधिकतम पुरस्कार प्राप्त हुए। वो खुशनुमा फीलिंग कैसी होती है, और ये सोचकर आज आपको कैसा लगता है? देखिए, लोगों की नज़र में मैं पद्मश्री हूँ, पद्म भूषण हूँ, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है, इत्यादि इत्यादि। किंतु जब मैं अपने अंतर मन में झांकती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, इस विशाल समुद्र में एक नन्ही सी बूंद के समान हूँ जिसको अभी बहुत कुछ करना है। मुझे हर समय लगता है कि अभी तो मुझे मीलों चलना बाकी है। और मैं तो आप सबसे भी यही कहूँगी कि हम सभी समाज के ऋणी हैं, और समाज सेवा का क्षेत्र भी बहुत व्यापक है। हम सबको इसके लिए कुछ ना कुछ अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। एक प्रश्न ये कि आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट क्या रहा, कैसे आप शिक्षा से इस ओर मुड़ी? मेरी बेटी तमन्ना का जन्म, किस तरह से मैं अवाक रह गई थी उसे देखकर, मानो ईश्वर ने कोई टूटी गुड़िया मुझे दे दी हो। फिर कैसे कैसे कठिनाइयों से उसे मैंने बड़ा किया, किंतु हाँ, मैंने कभी हार नहीं मानी। जैसे पतझड़ के बाद ही वृक्ष में नए पत्ते आते हैं, उसी तरह कठिनाइयों और संघर्षों के बाद ही हमें जीत हासिल होती है, खुशियाँ और कामयाबी मिलती है। उसके बाद से जिंदगी को जीने का, उसे देखने का मेरा नज़रिया ही बदल गया। फिर तो मैं दिव्यांगों के लिए जीने लगी, और वही मेरा लक्ष्य बन गया। मैडम, आपसे बहुत से लोग प्रेरणा लेते हैं, आप अपनी प्रेरणा किसे मानती हैं? सच पूछिए तो मुझे पुस्तकें पढ़ने का बड़ा शौक है, और हर पुस्तक हमें कुछ ना कुछ तो सिखाती है ना। वैसे स्कूल के दिनों में मेरी प्रिंसिपल मेरी प्रेरणा थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और बाद में मेरी बेटी तमन्ना मेरी प्रेरणा बन गई। कैसे? उसने मुझे सिखाया कि संघर्ष जिंदगी का
एक मात्र छोटा सा हिस्सा है, जिंदगी तो उससे बहुत बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से मैंने अपनी वेदना को भुलाकर असंख्य बच्चों में अपने को बांट दिया। ये इतना बड़ा पाठ मैंने अपनी बेटी से सीखा। आपने अपने जीवन के लगभग 50 वर्ष स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं और टीचर्स के साथ बिताए हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? छात्र छात्राओं को तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, आर्टिस्ट कुछ भी बनिए, जो भी आप बनना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना है। और कभी भी पैसे या प्रसिद्धि के पीछे भागना मत। जब आप सही राह पर चलेंगे, मेहनत करेंगे, तो स्वयं प्रसिद्धि और दौलत आपके पास आएगी। बस परिश्रम करते रहिए। याद रखिएगा बच्चों कि जब आप असाधारण लक्ष्य को लेकर चलेंगे तो चुनौतियां भी तो असाधारण आएंगी, मगर समाधान भी असंख्य होंगे। इसलिए हौसला कभी मत जाने दीजिएगा। बस मैं तो चाहती हूँ कि आप चंद्रमा की तरह बादलों के पीछे से निकलें और आकाश में चमकें। और हाँ, टीचर्स के लिए मेरा संदेश है कि मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि मैं आपको साधुवाद देती हूँ। आप एक बहुत अच्छा नेक काम कर रही हैं, आप बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। बच्चों को सिखाने का मतलब है देश का भविष्य संवारना। आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और बच्चे आपको अपना रोल मॉडल देखना चाहते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा बच्चे के लिए हो। अपनी शिक्षण प्रणाली को पत्थर की लकीर मत बनाइएगा, उसको निरंतर रुचिकर बनाइए। इस प्रकार से पढ़ाइए जिस प्रकार से विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं। उनकी सोच, बौद्धिक क्षमता और सृजनात्मक क्षमता के विकास पर बल दीजिए। बच्चों की, विद्यार्थियों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनिए, उनकी समस्याओं को हल कीजिए। उनमें मानवता, दया, प्रेम और धीरज जैसे गुणों का सृजन कीजिए, ताकि वो एक पढ़े लिखे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी बने। कहते हैं हर पुरुष की सफलता के पीछे कोई होता है, कभी उसकी पत्नी या कोई ना कोई जरूर होता है। आपकी राह के संगी कौन रहे? आपके इस प्रश्न के उत्तर में तो मैं यही कहूंगी कि अकेला कभी कोई लंबे समय तक नहीं चल सकता। और मेरे हस्बैंड जनरल चोना हमेशा कहा करते हैं कि आई एम द मैन बिहाइंड हर सक्सेस, और ये सच भी है। उन्होंने हमेशा हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है। डूबते पहर में मेरे कंधों पर विश्वास का हाथ रखा है, जिससे मेरी हिम्मत बढ़ती गई और मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंचती गई और बढ़ती चली गई। मैडम, आपके जीवन का एक मूल मंत्र क्या है? एक मूल मंत्र, ना रुको ना थको, बस बढ़ो और बढ़ते चलो। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, ये है मेरा मूल मंत्र। आपका कोई अधूरा स्वप्न? हाँ, मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं दिव्यांग बच्चों के लिए और भी बहुत कुछ करूं। हमेशा यही लगता है कि अभी तो बहुत कम किया है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। मैं उनके लिए जितना भी कर दूं, वो मुझे हमेशा अधूरा ही लगता है। मन चाहता है कि प्रत्येक दिव्यांग को सक्षम और आत्मनिर्भर बना सकूं, उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेर दूं, उनमें जीने की लालसा जगा दूं, उनके मन में उम्मीदें भर दूं और उन सभी का मैं संबल बन सकूं। मैडम, अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। आपका तो संपूर्ण जीवन शिक्षा से ही जुड़ा है। आपकी दृष्टि में
ये शिक्षा नीति कितनी कारगर सिद्ध होगी समय के साथ। देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर काफी बड़ा है, लेकिन मैं आपको बहुत संक्षेप में बताती हूँ कि पिछले 37 वर्षों से शिक्षा नीतियों में सुधार की नितांत आवश्यकता थी। मैंने तो हमेशा यही कहा कि एजुकेशन शुड बी चाइल्ड ओरिएंटेड, यानी कि बच्चों की आवश्यकताओं को देखते हुए और उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षा दी जानी चाहिए, और यह शिक्षा नीति बच्चों के हितों, क्षमताओं के विकास और उज्ज्वल भविष्य की ओर संकेत करती है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा मिलेगा, बोर्ड परीक्षाओं मार्किंग स्कीम में बदलाव आने से अब विद्यार्थियों की रटंत विद्या का नहीं वरन बौद्धिक क्षमताओं और उनकी सृजनात्मक शक्तियों का परीक्षण होगा। स्कूली शिक्षा का फॉर्मूला बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया है। अब विद्यार्थियों के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट बढ़ गए हैं, ग्रेडिंग सिस्टम आएगा, अब स्कूल के समय में ही रहते हुए उनको इंटर्नशिप की भी सुविधा मिलेगी। 11वीं कक्षा में हमेशा बच्चे 3 स्ट्रीम्स के अंतर्गत ही अपने विषयों का चयन करते थे, अब वो स्ट्रीम हटकर बच्चे किसी भी प्रकार से कोई भी, कोई साइंस का है तो वो आर्ट का सब्जेक्ट ले सकता है, कोई भी विषय का चयन वो अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। तो ये सब नीतियाँ बच्चों के हितों को बढ़ावा देंगी। संगीत, साहित्य, गणित की शिक्षा का प्रचार प्रसार भी इन्होंने इसमें एक मुद्दा रखा है, जिससे उनको अपने उनका भविष्य सुगम और आसान बनेगा। प्राथमिक स्तर पर बस्ते का बोझ कम होगा और खेल प्रणाली द्वारा शिक्षा देना अनिवार्य हो जाएगा, आदि ऐसी कई नीतियाँ बनाई गई हैं। ये बहुत लंबा विषय है जिसके परिणाम मुझे लगता है कि समय के साथ सकारात्मक ही होंगे। हमने देखा है कि डॉक्टर चोना का व्यक्तित्व अनुभवों का भंडार है। जितना हम उनके संपर्क में आते हैं उतना ही हम लाभान्वित होते हैं। मैडम, आप एक महिला हैं, महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि महिला होना अपने आप में एक गर्व की बात है। हमें कभी अपने को नीची दृष्टि से नहीं देखना है, क्योंकि हम तो ईश्वर की अनुपम कृति हैं, ईश्वर का वरदान है। महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में भी अपनी भूमिका निभाई है। बेटी, बहन, पत्नी, बहू, सखी, नाना, नानी, दादी, बुआ, मौसी, सभी रिश्तों को महिलाएं बखूबी निभाना जानती हैं और अपने परिवार की तो आधारशिला है ही। मैं बहुत खुश हूं कि इतने संघर्षों के बाद भी आज महिलाएं अपने चौतरफा विकास के लिए आगे कदम बढ़ा रही हैं। आज वो अपने गृहस्थ जीवन को संभालने के साथ हर क्षेत्र में अपने कौशल, बुद्धिमत्ता, संयम और इच्छा शक्ति के बल पर नए आयाम रच रही हैं। धरती से लेकर अंतरिक्ष तक उनकी उड़ान है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा था कि विश्व एक महान पुस्तक है और वे लोग केवल एक ही पृष्ठ पढ़ पाते हैं जो घर से बाहर नहीं निकलते। महिलाओं के लिए मेरा संदेश है कि आप ऐसे ही उन्नति करती रहिए। परिवार, समाज, परिस्थितियों की कठिनाइयां धीरे धीरे खुद ब खुद सिमटने लगेंगी। चीनी बनाने के लिए गन्ने को मशीन में पिसकर निकलना ही पड़ता है। हौसला रखिए, किंतु हाँ, नारी स्वभावगत गुणों को अपने भीतर समेट कर रखिएगा, उन्हें मत छोड़िएगा। वो तो हमारी शक्ति है, हमारी पहचान है। आप परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप संस्कारों की जननी हैं, आप पुरुष की सहचरी हैं। मेरी बहुत बहुत सी शुभकामनाएं हैं आपके लिए।
मैडम, आपने पेरेंटिंग पर बहुत कुछ लिखा और हम आपके अनुभवों से लाभान्वित भी हुए। प्रश्न आज की युवा पीढ़ी से जुड़ा है ये कि हमने अक्सर देखा है कि आज युवा पीढ़ी में विवाह के पश्चात खास तौर पर एक असंतोष, विद्रोह या मान अपमान का भाव आने लगता है और कभी कभी ये प्रखर रूप भी ले लेता है। आप इसको किस तरह से देखती हैं? आपकी दृष्टि में इनके क्या कारण हैं और कुछ सुझाव हम आपसे मांगना चाहेंगे। देखिए, इसका मुख्य कारण है कि उनके पास समय का अभाव है। जिंदगी की रफ्तार उनकी क्षमता और आवश्यकताओं से कहीं अधिक तीव्र है। एक होड़ सी लगी है साधन जुटाने की, धन कमाने की, जबकि सुख न धन में है न साधनों में है। वो तो स्वयं को और अपने मन को साधने में है। सुख मात्र इन्फॉर्मेशंस को इकट्ठा करने में नहीं है, वरन अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में है। इसलिए असंतोष का भाव है। मेरी उन्हें सीख है कि आप दोनों ही जने कुछ छोटी छोटी बातों को जीवन में उतारने की कोशिश करें, क्योंकि जब हमारी सोच बदलती है तब ही हमारा संसार बदलता है। सबसे पहले तो आप इस बात की गांठ बांध लें कि संसार में पति पत्नी का रिश्ता सबसे सुंदर होता है। जीवन की अंतिम श्वास तक जो निस्वार्थ भाव से एक दूसरे का सुख दुख में साथ निभाते हैं वो पति पत्नी हैं। इसलिए इस रिश्ते की अहमियत को समझिए। दूसरा, संसार में कोई भी रिश्ता या संबंध क्या बिना त्याग के, बिना दिए, बिना समर्पण के चल सकता है? कुछ पाने के लिए पहले कुछ देना भी पड़ता है ना। मातृत्व पाने के लिए कितना कुछ सहती हैं महिलाएं। तो फिर आप दोनों को सीखना है कि हमें देना आना चाहिए। तीसरा, जिंदगी में माफ करना और माफी मांगना आना चाहिए। इससे बड़ी बड़ी समस्याएं मिनटों में हल हो जाती हैं। देखिए, सॉरी और थैंक यू ये दोनों शब्द बहुत छोटे हैं, लेकिन यदि दिल से कहे जाएं तो वो दूसरे के दिल में उतरकर चमत्कार करते हैं। इसलिए इनको कहना चाहिए। चौथा, संबंध चाहे कोई भी क्यों ना हो, प्रशंसा यानी कि तारीफ के दो बोल हर रिश्ते को गहराई और मजबूती देते हैं। तो एक दूसरे की अच्छी बातों पर तारीफ किया कीजिए। इससे आपस का प्यार और सम्मान बढ़ता है। पांचवा, विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक है, इसलिए दोनों को अपनी बात की प्रस्तुति सहजता से अकेले में सही समय और सही स्थान देखकर ही करनी चाहिए। इस बात को याद रखिए। ये नहीं कि जब मन करा, जब गुस्सा आया तभी आप बोल दिए। याद रखिएगा, शब्दों के घाव बड़े गहरे होते हैं, इसलिए अपनी बात को कहना आना चाहिए। छठा, कभी भी किसी के सामने एक दूसरे की आलोचना मत कीजिए। ऐसा करने से वो मामूली सी बात मान अपमान का प्रश्न बन जाती है। इसलिए इस बात को हमेशा हमेशा याद रखिए। और कभी भी अगर कभी आपको अपनों से हारना भी पड़ता है तो कोई बात नहीं, अपनों से हारकर भी जीत हमारी ही होती है। एक आखिरी बात और, कहते हैं एक चुप सौ को हराता है, इसलिए हमें बोलना कम और सुनना अधिक चाहिए। दलाई लामा ने कहा है कि जब हम बोलते हैं तो हम वो बतला रहे होते हैं जो हमें आता है, किंतु जब हम सुनते हैं तो हम कुछ नया सीखते हैं। तो ये हैं वो छोटी छोटी बातें जो दाम्पत्य जीवन की खुशहाली का आधार है। धन्यवाद मैम।